आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी बनी पायरेसी का शिकार। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगी कि एचडी क्वालिटी में ये फिल्म इंटरनेट पर लीक हुई है। क्या है पूरी अपडेट, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स 2018। जी हाँ, इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था और जब से अनाउंसमेंट हुआ था तभी से ही लोग एक उम्मीद कर रहे थे इस फिल्म से, आर माधवन से। और इस फिल्म को लिखा है, डायरेक्ट किया है और एक्ट किया है खुद आर माधवन ने। और इस फिल्म के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, 4 साल उन्होंने अपना जी जान लगा दिया ताकि जो एक स्टोरी नंबी नारायण की वो बताना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचे। उन्होंने बहुत मेहनत की और आज 1 जुलाई 2022 आज फिल्म रिलीज हुई है थिएटर्स में। काफी लंबे इंतजार और मेहनत के बाद ये फिल्म रिलीज हो चुकी है। और इस फिल्म की अगर मैं बात करूँ, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, ये फिल्म क्रिटिक्स ऑडियंस हर किसी को ये फिल्म बहुत पसंद आ रहा है। लोग इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं आर माधवन के काम की, चाहे एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर या फिर एज अ एक्टर, उनकी तारीफें हो रही हैं। लेकिन एक बहुत ही बुरी चीज हुई है, पायरेसी। जी आपको बताना चाहूंगी कि ऑनलाइन ये फिल्म एचडी क्वालिटी में पूरी फिल्म लीक हो चुकी है और लोग इसे फ्री में डाउनलोड करके देख रहे हैं, जो कि इस फिल्म के लिए बहुत ही बुरी बात है क्योंकि फिल्म में इतनी मेहनत लगी है। चाहे आर माधवन की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने अपने आप अपने लुक को ओरिजिनल ऑथेंटिक दिखाने के लिए उन्होंने मेहनत की, प्रोस्थेटिक्स नहीं यूज करके कुछ नहीं, उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपना वेट को बढ़ाया ताकि उनका पेट दिखे। 14 दिन में उन्होंने अपने पेट को कम भी किया है। तो ये सारी चीजें, ये मेहनत उन्होंने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पायरेसी का शिकार बनी ये फिल्म और ऑनलाइन ये फिल्म एचडी क्वालिटी में लीक हो गई है। हालांकि हम सब जानते हैं गवर्नमेंट जो है वो कोशिश पूरी तरीके से करते हैं ताकि इस पर पायरेसी पर फुल स्टॉप लग जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तरीके से ये कुछ फिल्में लीक हो जाती है, जैसे जुग जुग जियो, धाकड़, ट्रिपल आर, KGF Chapter 2, भूल भुलैया 2 और ऐसी कई फिल्में ऑनलाइन लीक हो जाती हैं। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है और काफ़ी मेहनत लगी है इस फिल्म को बनाने में, तो इस फिल्म को थिएटर में देखने में ही एक अलग एक्सपीरियंस है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप अपने रिएक्शन हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए फीफा फूज इसी तरीके की अपडेट्स के लिए।